माधुरी दीक्षित एक सफल अभिनेत्री रही है। वह अपने परिवार के साथ बेहद खुश है। सफल आदमी के करियर शुरू होने की कहानी हर कोई जानना चाहता है। माधुरी ने शुरुआत के दिनों में बहुत स्ट्रगल की है, उसके साथ कई बुरे अनुभव जुड़े हैं। माधुरी को सबसे पहले दूरदर्शन में काम करने का मौका मिला, जहां उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। उनकी पहली फिल्म अबोध आई, जो बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। बात 1983 की है। दूरदर्शन पर एक सीरियल आना था, बॉम्बे मेरी जान। इस सीरियल में माधुरी को काम करने का मौका मिला। इसका पायलट एपिसोड तैयार कर लिया गया। जब यह दूरदर्शन के पास पहुंचा तो इसे रिजेक्ट कर दिया गया। बॉम्बे मेरी जान शो में माधुरी दीक्षित और बेंजामिन गिलानी मुख्य भूमिका में थे। बेंजामिन गिलानी उस दौर में कई टीवी शो में काम कर रहे थे, लेकिन माधुरी नहीं थी। ये एक फैमिली कॉमेडी ड्रामा सीरियल था। इसमें माधुरी हाउसवाइफ जबकि उनके पति स्क्रिप्ट राइटर होते हैं। उनका प्रोमो भी जारी किया जा चुका था। माधुरी एकदम नई थी तो दूरदर्शन ने यह कहकर सीरियल लौटा दिया कि इस शो की कास्ट में दम नहीं है, कास्ट ऐसी नहीं है कि उसे प्रमोट किया जा सके। दूरदर्शन ने इसे टेलीकास्ट करने से मना कर दिया। इसके एक साल बाद माधुरी दीक्षित ने 1984 में अबोध फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। ये फिल्म चली नहीं। इस दौरान उन्होंने कुछ और फिल्में भी की, लेकिन कोई नहीं चली। इसके बाद 1988 में माधुरी ने सुपरहिट फिल्म तेजाब से धमाकेदार वापसी की। तेजाब के बाद माधुरी ने लगातार 7 सुपरहिट फिल्में रामलखन, त्रिदेव, कृष्ण कन्हैया, दिल, थानेदार, साजन और बेटा दी। इसके बाद माधुरी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।